फ्लेमिंग का उसमें रूल लगाया था हमने, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या करना है, इसमें जो है ना इस पे क्या बना सर, तो जनित्र बना है। देखो इसके सिद्धांत पर भैया मेरे अपने पास जो है ना वो बना है जनित्र, कौन अपना ये वाला जनित्र, ठीक है। तो विद्युत जनित्र पढ़ने से पहले हम जो है ना यहाँ पे फ्लेमिंग का जो है ना यहाँ पर दक्षिण हस्त नियम, वाम हस्त नियम हमने पढ़ रखा है सर, वाम हस्त नियम हमने पढ़ रखा है, पढ़ा ना कि अगर भैया मेरे ये धारा की दिशा को बताता तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और ये जो है ना ये बल की दिशा बाबू मेरे बताएगा। अब हमको पढ़ना था दक्षिण हस्त नियम यानी दायां हाथ का नियम, किसका, फ्लेमिंग का। इसमें क्या है जरा ध्यान से सुनना और देखने की कोशिश बाबू आप करो, है ना, ये क्या कहता है। और जनित्र में जो है ना ये नियम लागू होगा, और अपना मोटर में सर फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम लागू हो रहा था और इसमें दायां हस्त नियम बाबू मेरे वो लागू होता है। इसके आधार पर जो है ना हम लोग यहाँ पर किसको मोट ये जनित्र को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जरा ध्यान से सुनो सर और अच्छे तरीके से सुनो, प्यार से सुनो कि फ्लेमिंग ये फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम क्या कहता है कि अपने दाई हाथ के तर्जनी, तर्जनी जानते हो सर, ये वाला तर्जनी हो गया, ये वाला मध्यमा हो गया, ये वाला अंगूठा हो गया, ठेंगा हो गया ये, है ना, ये वाला ठेंगा हो गया और ये लाइक का बटन हो गया, लाइक का बटन ठेंगा लगाओ, ठीक है। अब देखो अपने दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि तीनों एक दूसरे के क्या हो सर, लंबवत हो, फैला लियो इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से बाबू मेरे आपको फैलाना है, देख लो आप इस प्रकार से कुछ फैला लो आप, ठीक है। अब कहा जाएगा ये कि यदि तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा अंगूठा चालक की दिशा की गति की ओर अगर संकेत करती है, चालक को क्या करना है, हमको चुंबकीय क्षेत्र को तो स्थिर रखना है लेकिन चालक को क्या करना है, मूव करना है सर, तो चालक की जो मूव करने की जो दिशा है अगर वो उसको दर्शाता है तो अंगूठा क्या दर्शाएगा सर, तो अंगूठा जो है ना विद्युत धारा, प्रेरित विद्युत धारा की क्या दर्शाएगा, उसकी दिशा को दर्शाने का काम बाबू मेरे करेगा। सुनो तो यहां पर सबसे पहली चीज बाबू जरा ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, तो भैया मेरे अच्छा हमने कुछ गलत तो नहीं कह दिया ना, अच्छा मध्यमा ना, ओफो मैंने गलत बता दिया आपको, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा अंगूठा चालक की दिशा की गति की ओर संकेत करता है तो मध्यमा जो है ना चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को दर्शाती है। तो अंगूठा भैया मेरे चालक की गति, चुंबकीय क्षेत्र अपना इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, और ये चालक की गति तो आपको पता नहीं था सर, वाम हस्त नियम में हमने बताया था सर, इसी कारण तो बल लग रहा था ना ऊपर, तो ये गति बताएगा सर, और ये चुंबकीय क्षेत्र की क्या बताएगा सर, ये जो भी चुंबकीय क्षेत्र कर रहा है, जो भी विद्युत धारा प्रेरित हो रही है ये उसको बताने का काम बाबू मेरे यहां पर करेगा। तो ये फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम है, इसको रटाफिकेशन कर लियो, समझ लियो अच्छे तरीके से, ओके सर। बताओ जल्दी से फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम, सॉरी दक्षिण हस्त नियम में कोई कष्ट है तो बता दो, फिर से सुन लो, ये अपना क्या बताने वाला है सर, ये अपना क्या बताने वाला, ये क्या बताने वाला, देखो ये जो बताने वाला चुंबकीय क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई अंतर बाबू नहीं होगा, जैसे वाम हस्त नियम में था उस तरह से इसमें भी था, ये चुंबकीय क्षेत्र था, ये धारा की दिशा और ये लगने वाला बल, चालक पर लगने वाला बल यही था, इसमें देखो चुंबकीय क्षेत्र अपना वही है, ठीक है। ये क्या बताएगा सर, चालक की जो गति की दिशा है वो बताएगा, और ये क्या बताने वाला सर, तो जो चालक में प्रेरित विद्युत धारा है उसकी दिशा को ये बताने वाला है, ओके सर, ओके सर, ओके ना सर। अब बताओ जल्दी से ये वाला मामला क्लियर, हम सुन रहे हैं सबकी बात को बाबू अच्छे तरीके से सुन रहे हैं, फिर से सुन लो एक बार, फिर से सुन लो और याद कर लेना, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम ये कहता है कि अगर ये अपना तर्जनी जो है वो अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है सर, तो अपना अंगूठा जो है ना वो चालक की गति को, गति की दिशा दर्शाएगा सर, चालक की गति की दिशा दर्शाएगा कि किधर वो गति कर रहा है, और मध्यमा जो है ना चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को ये दर्शाने का काम बाबू मेरे करेगा। बताओ सर, सर इसके बिना बिजली कैसे बनी होगी, इसके तो उससे पहले नहीं बनी होगी सर, हाँ ये तो कृत्रिम वाला है, सब तो इसी पे, इसी सिद्धांत पे काम करता है, समझ रहे हो, अपना जो भी विद्युत होता है सर वो सब इसी सिद्धांत पे बाबू मेरे वो काम करता है, जल्दी से बता दो फटाफट, ओके ना सर। चलिए और बताओ, अरे प्रॉब्लम बताओ कहां है सबसे पहले, तो प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट होगा ना, उसके बाद हम जनित्र पढ़ने वाले हैं और आज ये समाप्ति होगा सर, और बताओ जल्दी से सर, अरे ये अरे थक गए हैं यार, क्या बताएं, गर्मी बहुत ज्यादा, पसीना इतना ज्यादा निकल रहा है कि क्या बताएं सर, ओके।
ओके, अरे डाउट है यार इसमें तो, इसमें तीर मारने वाली कौन सी बात है सर, सुनो इसमें तीर मारने वाली कौन सी बात है सर, हमने क्या बताया सर, सीधी सी बात है, ये अपने पास क्या है सर, एक चालक है, ठीक है, ये अपने पास क्या मेरे चालक है, हमने क्या किया इसको इस प्रकार से गति किया, सुनो भैया मेरे अपना चालक है, हमने इसको इस प्रकार से गति किया सर, ठीक है ना, यानी ऊपर अगर हम लोग गति कर रहे हैं इसको, यानी कहने का मतलब इस तरीके से, यानी ऊपर की ओर गति कर रहे हैं, इस तरीके से हम गति करवा रहे हैं, है ना, तो ये गति किधर से हो रहा है सर, ऊपर से हो रहा है। अब सुनो, तो अब इसमें हम इसमें सर हम देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र किधर किधर इस चालक में विकसित होने वाला, सुनना जरा ध्यान से सर, तो जो चुंबकीय क्षेत्र विकसित होगा सर वो अपने सामने, है ना, सामने विकसित होगा, और जो इसमें विद्युत धारा जो प्रवाहित होगा सर उसकी दिशा ये वाली होने वाली है, हमें कुंडली की बात कर रहे हैं सर, है ना, किसकी सर, चालक की, चालक में कुंडली ना होगा सर, हाँ, तो उसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित होगा वो इधर की ओर होने वाला है, अब इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं सर, ओके। अब जरा ध्यान से सुनो, आगे इसका इस्तेमाल देख लेना एक बार, बड़ा देख लो आप, इसको रट लेना एक बार अच्छे तरीके से और याद कर लेना, अब इसमें समझना आपको चीजें समझ में आएगी सारी चीजें।